जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपकी नई वीडियो में। आज हम आपको लेके आए श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं राम मंदिर के। तो अभी हम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल के पास पहुंच गए। ये फ्लाईओवर के बाद मंदिर स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे सीधा आगे जाएंगे तो हनुमान गढ़ी का मंदिर भी आ जाएगा। तो ये पूरा कायाकल्प हो चुका है अयोध्या धाम का और सब कुछ नया नया बन चुका है अयोध्या धाम में। सामने दिख रहा है अयोध्या धाम का मंदिर, अभी भी काम चल रहा है मंदिर पे। और सामने बैरिकेडिंग है, पता नहीं आगे गाड़ी जाने दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। ये क्या, ये है शॉप है। आप इधर से चलें, आगे से राइट जाना, इधर जाना, इधर जाना है। हाँ, आगे से राइट होके आना है। हाँ, बाबा जी बेचारे तो अभी हम जा रहे हैं राम मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोपहर के 12:30 बज गए हैं और इस टाइम कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ रोडों पे भी काम भी चल रहा है। यहाँ पे एक जैसे सारी दुकानें बना दी गई हैं, ये देखिए यहाँ पे और उधर भी। अभी हम रामपंच से जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो अब मल्टी लेवल पार्किंग से हम इधर से आए हैं और इधर जाना है अभी हमें मंदिर की तरफ। और ये इधर गेट नंबर 11 पड़ता है कहीं पे। तो चलिए अभी हम रामपंच से धीरे धीरे होते हुए जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और ये पूरा रास्ता बहुत ही अच्छा बना दिया गया है। अब सामने से आगे लेफ्ट में जाके मंदिर पड़ेगा। तो यहाँ पे रिक्शे भी चलते हैं, आप रिक्शा करके भी आ सकते हैं, ऑटो भी चलते हैं। और ये गेट नंबर 11 पड़ता है, देखिए सारे बैरिकेडिंग कर रखा है, रास्ता बंद है ये पूरा और बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पे। ये गेट बंद पड़ा हुआ है देखिए पूरा। और इधर काम भी चल रहा है अभी मंदिर में। और यहाँ पे आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते, नो ड्रोन जोन है ये। इस पूरे एरिया में ड्रोन उड़ाना मना है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकते यहाँ पे। जय श्री राम। अभी हम आ चुके हैं राम मंदिर के पास में और ये है लोकल सेवा बना हुआ है यहाँ पे। तो निःशुल्क सेवाएं हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा लगेज और मोबाइल वोबाइल सब जमा कर सकते हैं सामान वामान। और यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी चलता है, निःशुल्क है ये देखिए यहाँ पे। और ये यहाँ पे वेटिंग एरिया है लोगों को बैठने के लिए, अच्छी सुविधा दी गई है। और ये पूरा एरिया है और सामने काउंटर बने हुए हैं। तो वो आगे देखिए काउंटर वाइज सारे चीज़ें बनी हुई हैं, यहाँ पे आप सारे सामान जमा कर सकते हैं और आगे अंदर जा सकते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए मंदिर में। अभी हम हैं मेन गेट पे और यह है श्री राम जन्मभूमि का मेन गेट। तो यहाँ से हमने एंट्री करी है और यहाँ से एंट्री होके सीधा जाएंगे हम दर्शन करने के लिए मंदिर में। तो ये देखिए यहाँ पे व्हील चेयर की सुविधा मिलती है बुजुर्ग लोगों के लिए, यहाँ पे सामने है व्हील चेयर। तो यहाँ पे लाइन लगानी पड़ती है अगर भीड़ हो जाती है तो। बाकी देखिए इधर से जाना है अभी हमें दर्शन करने के लिए। तो ये पूरा रामपथ है, तो चलिए अंदर लेके चलते हैं और दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये सामने सुग्रीव किला अयोध्या धाम।
अभी दोपहर के 1 बज गए हैं, इसलिए मंदिर में भीड़ कम है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और तो काफ़ी कम लोग जा रहे हैं दोपहर में दर्शन करने के लिए। तो ये लाइनें बनी हुई हैं, तो यहाँ से होते हुए आगे जाना है दर्शन करने के लिए। तो अभी हम भी चल रहे हैं धीरे धीरे और आगे चलते हैं और दिखाते हैं। आगे भी एक लॉकर है, वहाँ पर भी सामान जमा होता है। तो अभी हम मेन मंदिर के पास आ चुके हैं और यहाँ पर भी लॉकर सुविधा दे रखी है। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे सामान जमा करना पड़ेगा और यहाँ देखते हैं, पूछते हैं कहाँ तक एंट्री होती है। ये पूरा एरिया है, अभी हम राम मंदिर के गेट के पास आ चुके हैं और यहाँ से आगे मंदिर में ले जाना कुछ भी अलाउड नहीं है, जैसे कैमरा हो गया, मोबाइल वोबाइल हो गए और लॉकर बने हुए हैं देखिए यहाँ पे सामने। तो यहाँ पे जाके सब सामान जमा हो जाता है, तो इससे आगे हम लेके नहीं जा सकते। कई लोग लेके भी जा सकते मोबाइल, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो इससे आगे अलाउड नहीं है। यहाँ पे चेकिंग होती है, तो यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं सामान जमा कराने अंदर, फिर अंदर जाएँगे। और ये तो ये लॉकर दिखाते हैं अंदर से कितना बड़ा है। चलिए एक मिनट, तो ये पूरा एरिया बना हुआ है लॉकर का, तो यहाँ पे सामान जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी हम लॉकर के अंदर आ चुके हैं और ये देखिए सामने जो काउंटर बने हुए ना, ये है जूते चप्पल के लिए और ये सभी निःशुल्क काउंटर हैं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। और इधर देखिए लॉकर बने हुए हैं, इस साइड यहाँ पे टोकन मिलेगा तो जिससे आपका सामान जमा हो जाएगा और ये भी निःशुल्क है। तो सामान यहाँ जमा करके उसके बाद वहाँ से होते हुए दर्शन करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा आपको मेन मंदिर में। और बोलते हैं कि अगर मोबाइल लेके जाना है आपको तो उसके लिए आपको पास चाहिए होता है और वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। अभी यहाँ पे किसी को सही से पता भी नहीं है क्या प्रोसेस है अंदर मोबाइल ले जाने के लिए। तो अभी हम देखते हैं अंदर लेके जाएंगे या नहीं, क्योंकि एंट्री मोबाइल ले जाना मना है, यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है कई जगह। तो अभी हम जा रहे हैं सामान जमा करने, फिर दर्शन करते हैं, इससे आगे अभी लेके नहीं जा सकते। तो चलिए अभी जमा करते हैं, फिर आपको दर्शन करने चलते हैं। जय श्री राम। तो अभी हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और यहाँ से सभी लोग दर्शन करके बाहर आते हैं जूते चप्पल और अपना लगेज लेके। तो ये है और ये है अंदर जाने का रास्ता, और अंदर कई सारे लोग मोबाइल भी लेके जा रहे हैं क्योंकि अगर उनके पास पास बनवाना होता है जो सुग्रीव महल पे बनता है, तो वहाँ से अगर आप पास बना लेते हैं तो आप मोबाइल लेके जा सकते हैं, ऐसा कुछ रूल है, सब अलग अलग ही बता रहे हैं। तो अभी हम जाएंगे गेट पे, देखते हैं पता करते हैं, अगर कुछ ऐसा पास वास बनता है तो आपको बताएँगे। तो चलिए आगे मिलते हैं, जय श्री राम। यहाँ पे ना व्हील चेयर भी मिल जाएगी आपको, अगर आपके साथ बुजुर्ग लोग दर्शन करना जाना चाहते हैं तो। व्हील चेयर तो निःशुल्क उपलब्ध है, लेकिन जो लेके जाएगा उसका 150 रुपये चार्ज है। तो ये है यहाँ पे सुविधा, देखिए यहाँ पे है और ये काउंटर बने हुए हैं, तो यहाँ पे एंट्री करके आप जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं पास का पता करने अंदर। अभी हम आए हैं इस काउंटर पे और ये गेट नंबर 1 पे ही बना हुआ है काउंटर। तो यहाँ पे एंट्री का पता करने आए हैं, जो VIP एंट्री होती है और पास मिलते हैं। तो इन्होंने बताया कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे आके इनका रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ता है और ये यहाँ पे आपको एक पास जनरेट कर देते हैं जिससे आप VIP एंट्री कर सकते हैं और दर्शन हो जाएंगे आपके और मोबाइल भी ले जा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ दर्शन करने आते हैं तो आप पहले से रजिस्ट्रेशन करा के आइए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। जय श्री राम।